हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज्ज़ा। तो हमें पिज्ज़ा के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने लिया है पिज्ज़ा का बेस, मैंने रेडी कर लिया है। मैंने पहले पिज्ज़ा के बेस का आटा इसे गूंद के रख लिया था, तो इसमें ये टाइम लगता, तो इसलिए मैंने पहले से ही बेस का बेस रेडी कर लिया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसके लिए चाहिए टमाटो, कॉर्न, स्वीट कॉर्न लिए मैंने, इसे ऑलरेडी बॉईल करके रख लिया है, पिज्जा चीज, पिज्जा सॉस, केचप, अनियन। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे आपको रेडी करना है पिज्जा। तो मैंने ये पिज्जा बेस को, इसमें मैं अब यूज करूंगी पिज्जा सॉस। मैं अच्छी तरह से मैं पिज्जा सॉस को लगा लेती हूँ। केचप, केचप को मैंने भी अच्छी तरह से लगा लिया है। अब इसमें कॉर्न पिज्जा के लिए कॉर्न, टमाटो, अनियन, और चीज। मुझे कॉर्न थोड़ा ज्यादा पसंद है, तो मैं थोड़ा कॉर्न ज्यादा डाल रही हूँ इसमें। ये हमारा रेडी हो गया पिज्जा। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में करेंगे। चलिए माइक्रोवेव में इसे रेडी करते हैं। पिज्जा को हमने रेडी कर लिया है और अपने इसे एक प्लेट में सर्व कर लिया है। अब मैं इसे माइक्रोवेव में रेडी करूंगी। इसको स्टार्ट कर दिया है। पिज्जा हमारा एकदम रेडी हो चुका है, ये देखिए चीज अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। इसे मैं दूसरी प्लेट में ट्रांसफर कर देती हूँ। पिज्जा हमारा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, ये देखिए। अब इसे मैं ऐड करूंगी चिली फ्लेक्स। चीज भी अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो चुकी है। आप पिज्जा को 5 मिनट में अच्छी तरह से रेडी कर सकते हैं, अपने घर में इजीली बना सकते हैं। बच्चों का सबसे अच्छा फूड होता है पिज्जा, तो आप इसे बिल्कुल आराम से रेडी कर सकते हैं। आप प्लीज हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए,